चर्चा उठी है कि वो भूत प्रेत हैं, विधायकों में डर भी है, आपने यहाँ यंत्र क्रिया भी किया, क्या मिला आपको? विज्ञान की दृष्टि से भूत प्रेत तो आजकल कोई मानते नहीं है, कहना भी उचित नहीं मानता मैं भी, लेकिन ये अदृश्य शक्तियाँ होती है। हमने कई जगह ऐसा निवारण भी किया है, देखा भी है, अनुभव भी कराया लोगों को। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले छह महीने पहले सीकर में एक मंदिर है, वहाँ अकाल मृत्यु होती रही। 500 साल पुराना मंदिर है, कोई आज तक बना नहीं पाया वहाँ मंदिर। करो मंदिर बना हुए कोई कोई घटना होती रही। मैं वहाँ जा करके एक अगर 2017 को मैंने ऊपरी बाधा का निवारण करवाया, उसके बाद में बहुत बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अतः यह अदृश्य शक्तियाँ अवश्य होती है, क्योंकि आत्मा का अजर अमर होती है। विधानसभा में क्या है? विधानसभा में विशेष करके वास्तु दोष है। वास्तु दोष क्यों है? क्योंकि वास्तु शमशान के पास बना हुआ कोई भी भवन वाहन 500 मीटर के अंदर होता है तो उसका दोष लगता है। अतः विधानसभा उसी के ऊपर बनी हुई है, कई हड्डियां नीचे रह चुकी है। एक संत की विशेष आत्माएं घूम रही है जो अदृश्य रूप से अकाल मृत्यु भी करा सकती है, एक्सीडेंट करा सकती है, बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उस निवारण के लिए भगवती का विशेष अनुष्ठान कराना अनिवार्य मानता हूँ मैं। ये आज तक विधानसभा 200 विधायक कभी नहीं रह पाए, इस बार लग रहा था हो जाएगा तो किसी वक्त उसकी मौत हो गई, इसलिए नहीं रहते हैं। इस नई विधानसभा जब से बनी है तब से ही वास्तु दोष है, आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर विशेष प्रशासनिक सेवा वाले मुख्यमंत्री जी या सभापति ध्यान धरे तो ये निवारण तो संभव है। कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया में होता है तो निवारण भी होता है। अभी आपने ये क्या किया है इसे? ये वास्तु से चेक किया, मैंने चारों तरफ बाउंड्री को चेक किया था। पहले क्या था ऊपर? क्या देखिए आप, वास्तु पिरामिड है मेरे पास ऑफिस में, दुनिया आती है, एक मिनट में बता देता हूँ मैं। तो इसी से चेक होता है कि ये वास्तु क्या आ रहा है, ऊपरी बाधा भी एक नहीं है। तंत्र मंत्र टोट के बाद की बात है, यहाँ पहले तो भूमि में ही दोष आ रहा है। आपने देखा चेक करके? चेक कर लिया मैंने अंदर, तो विषय तो आज्ञा मिलेगी तो अंदर। यहाँ से लेकिन यहाँ से 500 मीटर के अंदर बता देता हूँ मैं, उससे पता लग रहा है कि इसमें पूरा दोष आ रहा है। अतः इस दोष का निवारण अवश्य करवाना चाहिए। क्या दोष है पंडित जी? इसको वास्तु दोष भी कहते हैं और ऊपरी बाधा भी कहते हैं, लेकिन विशेष करके शमशान स्थित दोष विशेष शमशान का आ रहा है। कोई आत्मा का छाया है यहाँ पर जो बार बार पंच करता अनिष्ट कराता है, उसका निवारण अगर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि यह संभव है, आनंद होगा सबके लिए। ठीक खुशहाल रहे। मांग करोगे क्या विधानसभा अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री से, कि आपको अंदर आके? हाँ, मुख्यमंत्री जी आज्ञा दे या विधानसभापति आज्ञा दे तो मैं अवश्य अंदर जाकर के बता सकता हूँ और निवारण भी करा सकते हैं। एक नहीं कई जगह करा दिया, ऐसे हो जाता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में जो लिखा है वो एक भी गलत नहीं है। वैसे ही समस्त वेद शास्त्र पुराण ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। मरी हुई आत्मा का आपने सताया है तो अनिष्ट करेगी अवश्य। आपका नाम बता दीजिए। आचार्य घनश्याम शर्मा, एस्ट्रोलॉजर वास्तु का, जयपुर में ही हूँ मैं। तो इसका निवारण के लिए आप आगे कार्रवाई की जाएगी तो आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा करके बता दो।